इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लोगों को इसको लेना चाहिए। और दूसरी बात है कि मई जून तक लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। अभी सिंपल ब्लड शुगर में भी यदि सैंपल ठीक से ना लिया जाए तो उसका भी रिजल्ट गड़बड़ आ सकता है। सो ये जांच में है, यदि डाउट है तो उसको रिपीट कर सकते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभात। सर, आपने कोरोना काल में लोगों की मदद की है। अंजलि कुमारी, उस समय पैनिक ही सबसे ज़्यादा था जिस समय हम लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। और एक्चुअली प्राइवेट में उस समय कहीं पे भी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने घर पे भी लोगों का इलाज शुरू किया व्हाट्सएप के थ्रू। और जो पेशेंट्स हमारे सेंटर पे आते थे उनका भी इलाज का व्यवस्था शुरू किया, जिससे उस क्राइसिस के टाइम में बहुत सारे लोगों का जिंदगी आप बोल सकते हैं कि बचा। और दूसरा कि जो लोग ज़्यादा सीरियस नहीं थे उनको इलाज मिलने में बहुत आसानी हुई, जो कि उस समय बहुत मुश्किल काम था। इतनी बड़ी चुनौती थी वो उस समय। सही में भय का मामला माहौल था सब तरफ, और उसमें पूरे फैमिली का लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। मेरा बेटा और मैडम डॉक्टर हैं, वो दोनों ने भी काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। जिस तरीके से उस वक्त जो डर का ज़्यादा माहौल था, कोई भी जो डॉक्टर इलाज करते थे वो अपने घर कई दिन तक नहीं जाते थे। नहीं, मैं इस मामले में मीडिया को भी थैंक्स बोलूँगा, क्योंकि मीडिया ने भी इस चीज़ों को, मैं जो उस समय लोगों को समझाता था कि इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है और लोगों का इलाज करना है, और लोगों को भी जो जिनके घर में हुआ है उनको भी घर के लोगों का सेवा करना है, इस बात को मीडिया ने भी बहुत अच्छे तरीके से उस समय सब जगह स्प्रेड किया, जिससे लोगों में से भय खत्म हुआ। जैसे जिस तरीके से कोरोना काल चला था, अब वैक्सीन आ गया, तो इस वैक्सीन के बारे में आप क्या कुछ कहना? वैक्सीन इफेक्टिव है, वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लोगों को इसको लेना चाहिए। और दूसरी बात है कि मई जून तक लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। अभी मई जून तक यदि भारतवर्ष में इसकी संख्या नहीं बढ़ेगी तो हम इससे बच जाएंगे। इस तरीके से पहले से कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन आया है तो कई लोग इससे डर रहे हैं, इससे आप क्या कुछ? वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए, हर वैक्सीन के थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं, उससे ज़्यादा इसके कोई बड़े साइड इफेक्ट नहीं है। एज ए डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे? वैक्सीन, लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए और उससे डरना नहीं चाहिए। वैक्सीन से डरना नहीं चाहिए, नहीं। कुछ जिस तरीके से कोरोना में जांच हो रहा है तो उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई है, जिस तरीके से आपको जानकारी होगी? नहीं, जांच में गड़बड़ियां होने का उसमें चूंकि कई जगह चांस है, जैसे सैंपल लेने में एरर हो सकता है, लैब में एरर हो सकता है, सो हर जांच में वो चीज़ संभावित गलतियाँ होने की, हर जांच प्रोसेस में वो अपने आप में होता है। सिंपल ब्लड शुगर में भी यदि सैंपल ठीक से ना लिया जाए तो उसका भी रिजल्ट गड़बड़ आ सकता है। सो ये जांच में है, यदि डाउट है तो उसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे एक मामला निकल के आया है कि एक संस्थान में नाम किन्हीं और का था, जांच किन्हीं और के नाम से हुआ और फ़ोन किन्हीं और को गया। हाँ, ये टेक्निकल एरर है। कई लोगों को बहुत सारे परेशानियों का सामना। हाँ, चूँकि इतनी ज़्यादा लोड थे काम के, वर्क के उस समय, और माइंड पावर ट्रेंड हो रहे थे, तो इसलिए ये चीज़ें होना स्वाभाविक है, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये जो हैं वो लोगों की मदद किए थे कोरोना काल में, और आज इन्हें सम्मानित किया गया है। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।